एक रात में सब कुछ बदल गया। रिश्ते, नाते, बातें, जिंदगी के दो रुख देखे मैंने आज। दोनों कितने अलग, कितने अजीब, और मैं कुछ बोल ही नहीं सकी। क्या बोलते हैं, आज कितनी बेबस हो गई है जिंदगी। पर मुझे अपने दिल को अपने बस में करना होगा, जो भी हो जाए। ये जो भी है बहुत अजीब सा लग रहा है आज। रुको रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। बहुत ज्यादा हो गया सर, कल बात करते हैं। यहाँ एक सेकंड बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम कल की बात कर रहे हो। लुक व्हाट यू डन टू मी, लुक एट माय स्टेट। सर बारिश हो रही है, ठंड में बारिश में भीगना ठीक नहीं है। नहीं, पहले मैं अपने सवाल का जवाब चाहता हूँ। क्यों तुम मुझ पर ये असर छोड़ती हो? व्हाई डू यू अफेक्ट मी सो मच? बताओ, मैं अपने सवाल का जवाब चाहता हूँ। बारिश बाढ़ में गई तुम्हारी बारिश, मेरे सवाल का जवाब दो। हमेशा मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचते रहता हूँ? हर वक्त प्रतीक्षा प्रतीक्षा लेते रहता हूँ। तुम्हारे आगे मैं कुछ सोच नहीं पाता हूँ। क्यों क्यों क्यों, मेरे सवाल का जवाब दो प्रतीक्षा। ये इस तरह बारिश में आपके घर के बाहर ये सब कुछ अजीब नहीं लगता आपको? तुम अंदर जाना चाहती हो? चलो चलो अंदर, सब चलो मेरे साथ, चलो सब प्लीज। अब मुझे बताओ, क्यों मेरी बात नहीं सुनती? क्यों मुझे बोलने नहीं देती? क्योंकि मुझे नहीं सुनना। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्यों नहीं सुनना चाहती तुम। तुम जानती हो मैं क्या कहने वाला हूँ, इसलिए तुम अवॉइड कर रही हो मुझे। लेकिन आज नहीं, आज मैं कहूंगा और तुम्हें सुनना ही होगा। नहीं सुनूंगी मैं, कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ जबरदस्ती है। नहीं है सर। शट अप शट अप, और ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम पहली बार मेरे ऑफिस में आई थी, तब मैं कितना खुश था, जी रहा था मैं अपनी जिंदगी बिना किसी टेंशन के, बिना किसी इमोशन के। कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरी लाइफ, लेकिन तुम्हारे हर बात में कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बहुत फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। तुम्हारी हर बात से मुझे कोई ना कोई फर्क पड़ता है। क्यों क्यों मेरे दिल में तुमने इतने सारे इमोशंस भर दिए? Why the hell did you make me feel anything? मेरे दिल में इतने इमोशंस डालने के बाद तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? तुम सामने होते तो तुम्हें देखते रहता हूँ, तुम नहीं होते तो तुम्हारे बारे में सोचते रहता हूँ मैं। बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, यहाँ दर्द होता है यहाँ। और आज जब मेरे पास सब कुछ है, मेरी पूरी जिंदगी सेट है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, वो तुम, सिर्फ तुम। मैं तुमसे सवाल पूछ रहा था ना कि मेरे जाने के बाद मैं क्या मिस करूंगा। मैं तुम्हें मिस करूंगा, जिसे मैं छोड़ दूंगा, जिसके बिना मैं जी नहीं सकता। My life is incomplete without you. मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, और मैं अपनी जिंदगी किसी और के साथ। I can't do it. I love you, Pratiksha. Thank you.
तुम नहीं सुनना चाहती क्योंकि तुम्हारा परफेक्ट बैलेंस टूट जाए। तुम्हारी परफेक्ट जिंदगी, हाँ, एक तरफ एक अच्छा लड़का और दूसरी तरफ एक अच्छा फियांसे, है ना? सारी प्लानिंग बिगड़ जाएगी तुम्हारी। लेकिन इन दोनों अच्छे इंसानों के बीच जो सच छुपा है, उससे कैसे भागोगी तुम? कैसे बताओ मुझे। ये सब कहने के बाद शायद मैं तुम्हारे आंखों में अच्छा इंसान नहीं रहूंगा, लेकिन इंसान तो हूं, गलती हुई है मुझसे, लेकिन इसमें क्या शर्म? हर इंसान से गलती होती है और शर्म तो होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ये सब प्लान नहीं किया था, ये सब सिर्फ हो गया है, और हो गया है तो आई हैव टू एक्सेप्ट इट। आई लव यू प्रतीक्षा, आई लव यू गॉड डैम इट। हर पल तुम्हारे बारे में ही सोचते रहता हूं, तुम्हारे साथ रहने के लिए, तुमसे मिलने के लिए बहाने बनाता हूं। अब मैं वो शशांक नहीं रहा, तुमसे मिलने के बाद मैं बदल गया हूं, और वो लंदन का सपना जो मैं हमेशा देखता था, वो आज मेरा सपना नहीं रहा। वो परफेक्ट बैलेंस जो तुम्हारी जिंदगी और मेरा वो परफेक्ट ड्रीम खत्म हो चुका है। उसके बारे में मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता, क्योंकि हर सपने में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम, सब मैं, तुम ही हो जिससे मैं सबसे ज्यादा मिस करूंगा। साहब, आप क्या बोलने जा रहे हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आपकी सगाई हो चुकी है, मेरी भी सगाई हो चुकी है, अब मैं किसी और आदमी, अब मैं सिर्फ प्रशांत जी को जानती हूँ। जानती हो, लेकिन क्या तुम उससे प्यार करती हो? हाँ, करती हूँ। झूठ कह रही हो तुम। तुम्हारी आंखें कह रही है कि तुम झूठ कह रही हो, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ये क्या बोले जा रहे हैं आप? अब होश में भी है? अटलीस्ट सोने के बारे में तो सोचिए। मैं उसे कह दूंगा प्रतीक्षा, मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। मैं ये झूठ नहीं जी सकता। I can't live this lie anymore. मैं उसे कह दूंगा कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ठीक है, आपको जो करना है आप कीजिए, पर मैं जा रही हूं। प्रतीक्षा, मेरी बात तो सुनो।